कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे संजय वर्मा ने जस्टिन ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। वर्मा ने भारत लौटने से ठीक पहले रविवार को कनाडाई न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा कि कनाडाई खुफिया एजेंसी CSIS खालिस्तानी कट्टरपंथी और आतंकियों को बढ़ावा दे रही है। हाई कमिश्नर वर्मा ने कहा कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी भारतीय नहीं बल्कि कनाडा के नागरिक हैं। ये लोग कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कनाडा सरकार ऐसे लोगों के साथ काम ना करे। ये भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। हाई कमिश्नर ने यह भी कहा कि अगर कनाडाई नेताओं को लगता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे दुश्मन वहां क्या कर रहे हैं, तो मुझे खेद है कि वो इतने नौसिखिए हैं। शायद उन्हें पता नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। संजय वर्मा ने कहा कि कनाडाई PM ने खुद ही माना है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, बस खुफिया जानकारी थी। इसके आधार पर अगर आप किसी रिश्ते को बर्बाद करना चाहते हैं तो ऐसा करें। हालांकि ट्रूडो ने ऐसा किया भी है। वर्मा ने निजब की हत्या से जुड़े सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सब राजनीति से प्रेरित है, अब तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। मुझे देखना है कि कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी मोली किस ठोस सबूत की बात कर रही हैं। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज आवर कंसर्न, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स आर बीइंग एनकरेज्ड ऑल द टाइम। आई ऑल्सो नो, अगेन दिस इज माई एलिगेशन, आई एम नॉट गिविंग यू एनी एविडेंस ऑन दैट। आई ऑल्सो नो दैट सम ऑफ दीज Khalistani extremists and terrorists are deep assets of CSIS. It is what is understood by the Canadian politicians, that someone stands in on the floor of the parliament, says something which he later says, I didn't have any hard evidence, and that was taken as biblical truth.